छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक ननकी राम कंवर का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पत्थल गांव के दौरे पर पहुंचे ननकी राम कंवर ने ये कहा कि अपनी इतनी लंबी राजनीतिक पारी में उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा है। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समेत हर वर्ग के लोग सरकार के कामकाज से परेशान हैं। देखिए, इतना भ्रष्टाचार और इतना करप्शन होने के बाद अगर सरकार इनको नहीं बदली तो मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं, हम जैसे को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। मैंने तो संन्यास ले लिया, शपथ ले लिया कि अगर सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। तो पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर का यह बड़ा बयान सामने आया है। पत्थल गांव के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतनी लंबी राजनीतिक पारी में आदिवासी समेत हर वर्ग के लोग परेशान है। ननकी राम कंवर का ये बड़ा बयान है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर का ये बड़ा आरोप, इसके साथ ही उन्होंने तो पत्थल गांव के दौरे पर है और उन्होंने इस दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, जिन्होंने एक बड़ा बयान इन दिन आज दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चलिए और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सुबोध अरिवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, साथ ही संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ननकी राम कंवर जी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और इस प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती है, उन्होंने तमाम प्रकार की जो लगभग 5 साल की जो सरकार हो रही है, भूपेश बघेल की सरकार के जो कारनामे हैं, तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं, और ईडी ने जिस बात को सिद्ध कर दिया कि वास्तव में इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है, और एक मैं ये केवल आरोप की बात नहीं करूंगा, ये एक पीड़ा है। एक जब वरिष्ठ नेता होता है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करता है, पीड़ा है ननकी राम जी को, और मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में इन्होंने इस बात को कहा है, और मुझे लगता है कि वास्तव में सत्यता है। और जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि दिन नहीं बनेगी तो मैं इस्तीफा ले लूंगा, इस बात को गंभीरता को समझा जा सकता है कि एक वरिष्ठ नेता ने इस बात को क्यों कहा है। मुझे लगता है कि आज तो हर घर और हर गली की चर्चा हो गई कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस सरकार को जाना तय है, तो मुझे लगता है एक हमारा विश्वास, एक हमारा कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास भी है कि सरकार ने जो 5 साल में कारनामे दिखाए हैं, इसलिए ये रास्ता एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि सरकार को यहाँ से जाना होगा और एक बेहतर सरकार फिर से चुनकर आएगी। जी, संजय जी हमारे साथ सुबोध जी भी बने हुए हैं, उनसे इस बयान पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुबोध जी, आपने संजय जी को भी सुना और ननकी राम कंवर ने जिस तरह से बयान दिया कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ननकी राम जी इस प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 4.5 सालों में जब जब उन्हें किसी तरीके की व्यक्तिगत या राजनीतिक तकलीफ आई तो उनकी मदद हमेशा भूपेश बघेल जी ने की, और इसकी तारीफ ननकी राम कंवर जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी बात की है। अब चुनावी साल है, अपनी विश्वसनीयता और अपनी क्रेडिबिलिटी पार्टी में एस्टैब्लिश करने के लिए लोग बयान देते हैं और इस बयान को छत्तीसगढ़ में जो जनता है वो किसी भी तरीके से सीरियसली नहीं लेगी। हम लोग और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सीरियस जरूर है कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कोई वैल्यू नहीं दे रही वो तक अपनी साख दाव पर लगा रहा है, तो मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करे, उनको वैल्यू दे और कोशिश करे कि उनको संन्यास ना लेने के लिए मनाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हमने 4.5 साल में जिस तरीके से, देखिए संजय श्रीवास्तव जी को बोलना था, उन्होंने कह दिया जो जो कहना, अखंड तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं ये वो जो भी उन्होंने कहा, पर संजय श्रीवास्तव जी बताएं क्या कभी उन्होंने 15 साल में युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया? हमने किया, 0.06% बेरोजगारी की दर है जो केंद्र की सरकार कहती है,
गौधन न्याय योजना की तारीफ इनके प्रधानमंत्री और इनकी योगी आदित्यनाथ करते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 2500 रुपए और आज 2640 और आने वाले समय में 2800 रुपए किसानों को देंगे। ये लोग तो 1900 रुपए नहीं दे पाते थे। वादा करके भूलने वाली सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता भूल चुकी है और पूरे बहुमत के साथ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन बयानों का छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी कोई अस्तित्व न रहा है न रहेगा। जी संजय जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है यदि वास्तव में किसी नेता का बयान ही यदि कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आया तो मुझे लगता है कि फिर उससे ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। जिन्होंने उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी से तमाम प्रकार के उन्होंने सहयोग किया, ये तो राजनीति में चलता है। जब एक चुनाव विधायक जाता है उसके क्षेत्र में काम है तो ये काम करना पड़ता है। यदि वो सब बातें अच्छी लगी तो ये बात भी सत्यता के बहुत करीब है कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार की स्थिति बहुत बदतर स्थिति पर खड़ी है जाकर। देखिए सरकारें आती जाती हैं, चुनाव आता है, कोई जीतता कोई हारता है, लेकिन एक बदनाम चलो सरकार होने के बाद वो बदलती है। लगभग वो स्थिति भूपेश बघेल की सरकार की है। तो मुझे लगता है कि अब हाथ कंगन को आरती क्या, चार महीने की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और अभी तमाम प्रकार की बातें करो, स्वर में नहीं जाना जाता बेरोजगारी, इतना ज्यादा रोजगार यहाँ पर है, उसके बावजूद मजबूर होकर इनको बेरोजगारी भत्ते देने की स्थिति पड़ती है। आप ये समझ लीजिए कि क्या स्थिति है, कि बहुत अच्छा रोजगार के बाद भी बेरोजगारी भत्ते देने की जरूरत पड़ रही है। कुल मिलाकर फर्जी रिकॉर्ड, फर्जी आंकड़ों के आधार पर भूपेश बघेल की सरकार 4.5-5 वर्षों तक चली है, लेकिन अब लोग बहुत करीब से इस सरकार को देख चुके हैं और मुझे लगता है ईडी के रिकॉर्ड से इनके आपसी मतभेद, तमाम प्रकार के जो विषय हैं, वो सब कुछ सच को सामने उन्होंने लाया है। तो मुझे लगता है भूपेश बघेल जी की तैयारी कर ली है, अब आपसी इनकी तय नहीं है और इनको बाहर जाना पड़ेगा। जी सुबोध जी, कुल मिलाकर देखें तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसका किस तरह से जवाब देंगे आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में बात न करे। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री आज से 5 साल पहले रायगढ़ की अपनी कार्यसमिति की बैठक में कहता है 1 साल कमीशन मत लो, सरकार फिर से आ जाएगी, तो जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो कमीशनबाज हैं, उन लोग अगर हमें भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे तो फिर क्या मतलब है? भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ में साबित किया तो आए और ईडी की एजेंसी पूरी चीजें साबित करके सामने रख देना। आज तक चार्जशीट पेश करते जा रहे हैं, बार बार समय पे समय लेते जा रहे हैं। ये ईडी आईटी के छापों को मैं भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं लेता। क्यों नहीं लेता वो भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर कांग्रेस के राज्यों में पड़ेंगे तो इन्हें हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं, राजनीतिक श्रेणी में लेंगे। ये संजय श्रीवास्तव जी का बोलना बड़ा अच्छा है, ये अपनी बातों से हमको घुमा सकते हैं, पर जनता जानती है ईडी के आरोप हो चाहे आईटी के आरोप हो, वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो हमने किया वो इम्पोर्टेंट है, इन सब चीजों से जनता का लेना देना भी नहीं है। और मैंने फिर कहा ना, मैंने समझा भी है ननकीराम कंवर जी का बयान, और अब आप लोगों को उनको संभालना भी है। उन्होंने कहा मैं उनका बयान नहीं समझ पाया, उनका बयान हमने समझा भी है और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है उन्हें संभाले और उन्हें मनाए कि संन्यास ना ले भाई, राजनीति करे। राजनीति में सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति की बहुत महत्वता है, क्योंकि सरकार तो आपकी नहीं आ रही है, तो कम से कम अच्छे लोगों को जोड़ करके रखें। और रही बात मदद करने की बहुत तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।